अनंत पंचमी माँ शारदे के महोत्सव के अवसर पर मैं अपने तरफ से, अपनी पार्टी के तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ और तमाम प्रतिनिधियों के तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जब ऐसे कार्यक्रमों में हम लोग शामिल होते हैं तो कभी कभी हम लोगों के भी बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब हम लोगों के भी विद्यालय के समय में ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते थे और इन्हीं बच्चों के भांति हम लोग भी बैठे रहते थे सामने, और जब हमारे अतिथि आते थे तो ताली बजाकर हम उनका स्वागत करते थे। और आज उस जगह पर स्वयं को पाकर ये महसूस होता है कि समय कहां से कहां परिवर्तित हो गया। समय का चक्र है, ये चलते रहता है, कभी रुकता नहीं। आज लगभग 19 वर्षों के बाद ये दौर आया है जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी माँ शारदे का महोत्सव ये दोनों एक ही तिथि पर पड़े हैं। लगभग 19 साल पीछे ऐसी परिस्थिति एक बार आई थी और फिर आज आई है, और विद्यालय के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त ये दो भारत के अंदर एक स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्र दिवस, ये दोनों जो है राष्ट्रीय पर्व है, और एक तरफ माँ शारदे का महोत्सव जो विद्या के इस मंदिर में विद्या की माता का पूजा, ये दोनों का संयोग एक राष्ट्रीय पर्व और एक विद्या के माता का त्यौहार, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। मैं आपके और बच्चों के और कार्यक्रम के बीच में बहुत ज़्यादा बाधक नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये विद्या का मंदिर है और इसमें से भारत के भविष्य निकलेंगे भविष्य में, और ये देश के अन्य क्षेत्रों में जब जाएंगे तो ये तमाम तरह की अलग अलग व्यवस्थाओं में अपनी भूमिकाओं को अदा करेंगे, और जब वो अपनी अपनी भूमिकाओं को अदा करेंगे तो कुशहरिया गांव का नाम भारत के नक्शे पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब इस विद्यालय से निकला हुआ कोई बच्चा देश के पटल पर नाम रोशन करेगा, और ये हो सकता है अगर हमारे शिक्षक और शिक्षिका निश्चित रूप से एक पेशेवर अंदाज में बच्चों को उनके टैलेंट के हिसाब से, उनकी प्रतिभा के हिसाब से अगर बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस विद्यालय से निकला हुआ बच्चा भी देश के पटल पर सर्वोच्च स्थान अर्जित कर सकता है। बस इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, लगन की आवश्यकता है। आजकल शिक्षाकरण का आर्थिकरण हो गया है, आप शिक्षाकरण के आर्थिकरण से बचे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक स्थिति की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि उसके बगैर व्यवस्थाएं नहीं चल सकती, लेकिन शिक्षा आपकी प्रमुख उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के साथ जो है शिक्षा का विकास और विस्तार आप कितना तेजी से कर सकते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपका लगन हो तो निश्चित रूप से किसी भी कार्य में जो है आपको असफलता नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा मानना है और भरोसा है। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा था कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में तुम्हारे सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो इतना प्रखर निखरता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा,
और हम आदम के बेटे हैं। क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो ये सूरज की तरह इस विद्यालय में विद्यार्थियों को जलना होगा, सोने की तरह तपना होगा, और जब ये जल और तप कर बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से भारत के मानचित्र पर कुसारिया का नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आयोजन समिति को अपने तरफ से बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने यह प्रतिष्ठा दी, सम्मान दिया, कुदरा से हम लोगों को यहाँ आने का अवसर दिया। सम्मानित जिला परिषद सदस्य श्रीमती श्वेता गुप्ता जी को भी यहाँ आने का अवसर मिला, और प्रदीप जी का भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिनके माध्यम से ये निमंत्रण हम लोगों को प्राप्त हुआ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।